press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी खाड़ी यात्रा के दौरान अबू धाबी में प्रथम हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी है। उन्होंने दुबई के ओपेरा हाउस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंदिर का शिलान्यास किया। पीएम के भाषण के दौरान कई बार मोदी मोदी के नारे भी लगे और भारत माता की जय से पूरा ओपेरा हाउस गूंज उठा। Wow, what a phenomenal welcome for the Prime Minister. पीएम मोदी द्वारा मंदिर का उद्घाटन करना भारत और दुबई के मजबूत रिश्ते को दर्शाता है। मंदिर की आधारशिला रखने के बाद पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों के विकास के लिए भारतीयों ने अहम योगदान दिया है, वह उनके सपनों को पूरा करने के लिए मिलकर काम करेंगे। वहीं मंदिर के निर्माण के लिए भारतीयों की तरफ से उन्होंने क्राउन प्रिंस का शुक्रिया अदा किया। अपने भाषण में पीएम मोदी ने नोटबंदी, जीएसटी जैसे तमाम मुद्दों का जिक्र किया और कहा कि दुनिया का भारत के प्रति नजरिया बदल रहा है। इसके बाद पीएम मोदी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शामिल हुए। पीएम मोदी के संबोधन से पहले ओपेरा हाउस में गुजराती गीत सुनाई दिया। सुचेता 107 भाषाओं में गीत गाने में सक्षम है। इसके लिए उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ था। बताया जा रहा है कि दुबई के प्रथम हिंदू मंदिर में भगवान कृष्ण, शिव और अयप्पा की मूर्तियां होंगी। गौरतलब है कि यूएई में करीब 30 लाख भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं।